बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा 15th लेक्चर, और जैसे कि मैंने बताया था कि हम रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस इसके अंदर डिस्कस करेंगे, तो हम आज अपने बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 8 के इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। आपको क्वेश्चन की लेंथ देख के, इसके आंसर की लेंथ देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप करेक्टरिस्टिक्स भी साथ बताएँ। करैक्टरिस्टिक्स एक एडिशनल चीज़ है जो कि आपकी समझ के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए दे दिए गए हैं। आपका आंसर वैसे ऊपर पूरा हो गया है। सो इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइंस जो उन पॉइंट से गुजर रही हों जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होते हैं। हमने जब थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर डिस्कशन में देखा था इन लाइंस को, हमने उधर भी डिफ़ाइन किया था और हमें समझ आया था कि इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या होती हैं। तो ऐसी लाइंस जो उन पॉइंट से गुजर रही हों जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं, तो इस तरह की लाइंस को इक्विपोटेंशियल लाइंस बोला जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस को बोलते हैं जिसके ऊपर मौजूद तमाम पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे हों, या ऐसी सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो, इस तरह की सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाएगा। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि नेट वर्क डन की वैल्यू इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ज़ीरो होती है। वजह क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस ही ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इक्विपोटेंशियल लाइंस क्रॉस ओवर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये क्रॉस ओवर कर जाती तो एक पॉइंट पर, जहां पर वो क्रॉस ओवर कर रही थी, तो इस एक पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल की दो वैल्यूज़ होती, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इक्विपोटेंशियल लाइंस उन पॉइंट्स को इकट्ठा करती हैं, उन पॉइंट से गुजरती हैं जो कि सेम पोटेंशियल पर हों। तो इससे ये बात साबित होती है कि एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल्स तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए यह क्रॉसओवर नहीं करती। इसके अलावा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो इलेक्ट्रिक वो इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं। ये बात भी हम पीछे टॉपिक्स के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइंस ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस क्रॉस ओवर कर सकती हैं या नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, इसकी वजह मैं पिछली सवाल के अंदर बता चुका हूँ। पिछले क्वेश्चन के अंदर मैं ये बात बता चुका हूँ कि इक्विपोटेंशियल लाइंस क्रॉस ओवर नहीं करती। और क्यों नहीं करती? क्योंकि एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल की दो वैल्यूज़ होना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, वाटर का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत अच्छा होता है लेकिन कैपेसिटर में इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्यों? वाटर जो से हैं इनके अंदर डायपोल मोमेंट्स होती हैं, यानी कि इसके अंदर डायपोल्स तो होते हैं लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स मुसलसल वाइब्रेशन में रहते हैं, जिसकी वजह से इसको कैपेसिटर्स के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इनकी मूवमेंट की वजह से इंडक्शन जो सी है मुश्किल हो जाती है। ये अपने इर्द गिर्द के चार्जेस को इंड्यूस नहीं कर पाते, यानी कि जो डायपोल्स बनते हैं वो स्टेबल नहीं होते या इतनी अच्छी मिकदार में नहीं होते, इस वजह से इसको कैपेसिटर के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सेकेंडली, वाटर के अंदर सेल्फ आयनाइजेशन एबिलिटी होती है, ये अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर से, अपने एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की एबिलिटी रखते हैं, ये खुद ब खुद आयोनाइज हो सकते हैं, इस वजह से भी इनको कैपेसिटर्स के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके अंदर सेल्फ आयोनाइजेशन एबिलिटी हो उसको कैपेसिटर के लिए पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि आयोनाइज होकर वो आयंस पर ट्रैवल करने लग जाते हैं, वहाँ डाइपोल्स नहीं रहते फिर। इसके अलावा वाटर के अंदर मोबाइल आयंस हैं, अगेन जब सेल्फ आयोनाइजेशन होगी, आयंस होंगे तो आयंस पर ट्रैवल भी करेंगे, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ या नेगेटिव प्लेट की तरफ ट्रैवल भी करेंगे, तो ये मोबाइल आयंस बन गए, इसी वजह से कैपेसिटर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पानी सेंसिटिव टू इम्प्योरिटी होता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर सेंसिटिव होने की वजह से इसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट चेंज हो जाता है, इस वजह से भी इसको कैपेसिटर के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। कैपेसिटर को हम लोग सीरीज़ में रजिस्टर के साथ लगा दें और चार्ज कर दें, और तो हम देखते हैं कि रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी वजह से होता है कि कैपेसिटर के प्लेट्स जैसे जैसे चार्ज हो जाती हैं, वैसे वैसे कैपेसिटर की प्लेट और सोर्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाता है। आप देखते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर अगर चार्ज डिपॉजिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता
सोर्स और कैपेसिटर के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसी वजह से दरमियान में लगा हुआ जो रेजिस्टर है उसके टर्मिनल्स पर भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, स्केच द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट टाइम फॉर डिस्चार्जिंग ए कैपेसिटर, चार्जिंग ए कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के ग्राफ्स बनाकर दिखाने हैं। तो ये सारी चीज़ समझने के लिए हम एक सर्किट कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि फिगर के अंदर आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है, पहले चार्जिंग को डिस्कस करते हैं। हमने देखा था कि हमने एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सी सपोज कर ली थी और हमने एक सोर्स जिसका पोटेंशियल वी सपोज कर लिया, हमने ले लिया और उसको सर्किट में कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जिस तरह के सर्किट आपको दिखाई दे रहा है। जब आप स्विच को टर्मिनल ए से कनेक्ट करेंगे तो आपका कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा। इनिशियली चार्जिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता चार्जिंग रेट कम होता जाता है। वजह क्या होती है कि जैसे जैसे कैपेसिटर के टर्मिनल्स के ऊपर चार्ज डिपॉजिट होता जाता है, मज़ीद चार्ज का आना मुश्किल होता जाता है, तो करंट का फ्लो कम से कम होता जाएगा। ठीक है, तो चार्जिंग के दौरान, चार्जिंग पहले भी हमने देखा था कि चार्जिंग एक्सपोनेंशियल होती है, डिस्चार्जिंग भी एक्सपोनेंशियल ही होती है। तो इसमें क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता चार्जिंग रेट कम होता जाएगा। इसके लिए जो हम एक्सप्रेशन लिख रहे थे वो क्या था, Q इज़ इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 - e^-t/RC। अगर हम दोनों तरफ C से डिवाइड कर दें यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, Q/C इज़ इक्वल टू Q0/C। बाकी तमाम की तमाम चीज़ वैसे ही चलेगी। ये Q/C किसके बराबर बनता है, Q/C V के बराबर आता है। कैपेसिटर का बेसिक एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो Q/C V के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा V इज़ इक्वल टू V0 - e^-t/RC। तो ये हमने इसका एक्सप्रेशन निकाल लिया, चार्जिंग का एक्सप्रेशन निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो अगर आप देखें ऊपर चार्ज वाले एक्सप्रेशन को और नीचे पोटेंशियल वाले एक्सप्रेशन को, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको तकरीबन एक जैसे दिखाई देते हैं। जब इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। चार्जिंग वाला ग्राफ आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल डिवेलप हुआ और एक वक्त आया कि जितना मैक्सिमम पोटेंशियल कैपेसिटर के प्लेट्स पर डिवेलप किया जा सकता है उतना मैक्सिमम पोटेंशियल उसकी प्लेट्स पर आ जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज V0। तो ये हमारे पास उसका एक डायग्राम या ग्राफ सा बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उस ग्राफ में जो बात शो करना ज़रूरी है वो ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चार्जिंग रेट कम होता जाएगा, यानी आपके पास पोटेंशियल इनिशियली बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होगा और वक्त गुजरने के साथ साथ वह ख़ास वैल्यू पर आके कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसी तरह डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग में भी हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था Q = Q0 e^-t/RC था, अगेन C से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा V = V0 e^-t/RC। अब इसके मुताबिक अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जिस तरह का राइट साइड वाला ग्राफ है, कि इनिशियली जो पोटेंशियल है वो बहुत तेज़ी के साथ चेंज होगा। जब हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो चूँकि इनिशियली उसकी प्लेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज मौजूद होता है तो डिस्चार्जिंग रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो पोटेंशियल का चेंज आ रहा होगा वो बहुत रैपिड होगा, पोटेंशियल बहुत तेज़ी के साथ ड्रॉप हो रही होगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चूँकि कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर मौजूद चार्ज की क्वांटिटी कम होती जाती है तो उसी हिसाब से उसका डिस्चार्जिंग रेट भी कम होता जाता है, उसी हिसाब से उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी कम होता जाता है। तो हम देख रहे हैं ग्राफ के अंदर कि पोटेंशियल की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और आइडियल केस में एक वक्त आएगा जब ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज हो चुका होगा, उसके प्लेट्स के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, कोई पोटेंशियल नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, कंपेयर द फार्मूलाज ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज़ एंड पैरेलल विद रेजिस्टर इन सीरीज़ एंड पैरेलल। ये वही चीज़ जो हमने लेक्चर डिस्कस करते हुए कहा था कि इस बात का, ये लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि इस बात का बड़ा ख्याल करना है कि कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स के जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जो आपके एक्सप्रेशन थे उनको आपस में मिक्स नहीं कर देना। तो वो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया है कि अगर हम लोग सीरीज़ में कैपेसिटर और रेजिस्टर लगाएँ और तो इनका आपस में क्या डिफरेंस होगा।
सीरीज़ कम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि जब रेजिस्टर को सीरीज़ में लगाया जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आती है, R इज़ इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू सो ऑन। यानी कि जब रेजिस्टर सीरीज़ में लगाए जाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है। जितने आप मज़ीद रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में लगाते जाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, जबकि कैपेसिटर के केस में उल्टा होता है। जब हम कैपेसिटर को सीरीज़ में ऐड करते जाते हैं, मज़ीद कैपेसिटर्स को सीरीज़ में ऐड किया जाता जाएगा और कैपेसिटर सीरीज़ में लगाते जाएंगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर दोबारा आ गया है। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, जब रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। यानी वन ओवर आर इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू अप टू सो ऑन। तो जितने रेजिस्टर्स आप पैरेलल में बढ़ाते जाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। जबकि कैपेसिटर के केस में क्या था कि जितने कैपेसिटर्स आप पैरेलल में ऐड करते जाते हैं, मज़ीद पैरेलल में कैपेसिटर लगाते जाएंगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे कि सी इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू सी वन प्लस सी टू अप टू सो ऑन। यानी जितने कैपेसिटर्स आप मज़ीद पैरेलल में लगाते जाएंगे सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उतनी ही इंक्रीज़ होती जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन व्हाई कैपेसिटर्स आर ऑफ लो यूज़ फॉर स्टोरेज ऑफ एनर्जी फॉर नॉर्मल डोमेस्टिक पर्पसेस ऑफ लाइटिंग हीटिंग एंड सो ऑन। हम लोग ज़्यादातर बैटरीज़ को इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर्स को चार्ज स्टोरिंग के लिए या स्पेसिफिकली एनर्जी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल नहीं करते। छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर या कहीं कहीं पर हम लोग इसको चार्ज स्टोरिंग के लिए या एनर्जी स्टोरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई बंदा अगर आपसे पूछे कि कैपेसिटर का पर्पज़ ये है क्या है, तो आप उसको डेफिनेटली ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने ये एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया है। आप उसको ये कहेंगे कि इसको मैंने टाइम पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया, टाइमिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया हुआ है कि ये इस चीज़ की टाइमिंग को इंक्रीज़ कर दे और इस चीज़ की टाइमिंग को यह डिक्रीज़ कर दे। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि कैपेसिटर को हम लोग ये लो यूज़ फॉर स्टोरेज ऑफ एनर्जी ऑफ नॉर्मल डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इसको कम क्यों इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटर्स को बहुत कम इस्तेमाल करने की वजह ये होती है कि एक तो इनकी एनर्जी स्टोरेज एबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। कैपेसिटर जो से हैं ये बहुत लिमिटेड से टाइम के लिए एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर सेकेंडली जो एनर्जी स्टोर ये करते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा हो जाए कि आप कहें कि मैं कैपेसिटर ऐसा ले लेता हूँ जो बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकता है और बहुत देर तक स्टोर कर सकता है, फिर तो वो बैटरी ही बन गई ना। फिर बैटरी और कैपेसिटर में क्या फ़र्क रह गया? तो बैटरी और कैपेसिटर में फ़र्क यही है कि कैपेसिटर जो से है वो शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए होते हैं, थोड़ी एनर्जी के लिए होते हैं। बैटरीज जो सी हैं वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं और ज़्यादा देर के लिए कर सकती हैं, जबकि आपके कैपेसिटर थोड़ी एनर्जी स्टोर करते हैं और थोड़ी देर के लिए करते हैं। बाज़ कैपेसिटर ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर लेते हैं लेकिन इवन देन वो भी थोड़े टाइम के लिए होती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती। इस वजह से इसको डोमेस्टिक पर्पजेज के लिए एज सच एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो दैट्स ऑल, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो रिमेनिंग थे, जो हमने आज कंप्लीट कर लिए। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, इनको याद कर लें और लिख लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।